और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की आंदोलनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़प रेवाड़ी अलवर हरियाणा बॉर्डर पर हुई। सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पर पहुंचे किसान दिल्ली जाना चाहते थे। पुलिस ने किसानों को वापस लौटने के लिए बैरिगेट्स लगा रखे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के विरोध करने पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। किसानों पर 200 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। झड़प के बाद किसी तरह हरियाणा पुलिस किसानों को एक पुल पर रोकने में कामयाब रही। ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। लगातार पुलिस किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने का प्रयास करती दिख रही है। बैरिगेट्स लगाए गए थे, लेकिन किसान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उसी बीच ये झड़प सामने देखने को मिली। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी कंगना इस वक्त हमारे साथ जुड़े जी। कंगना, ये क्या पूरा मामला है और इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आप दर्शकों को दीजिए। ये पूरा का पूरी घटना कल शाम को करीब 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली है, जब शाहजहांपुर पे जहां अभी हम खड़े हैं वहां पे हजारों की तादाद पे काफ़ी सारे फार्मर्स ना कि सिर्फ राजस्थान से बट हरियाणा से और महाराष्ट्र से बैठे हुए हैं, और उनके लीडर्स कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए सिंघू बॉर्डर गए थे। तो इसी बीच जब उनके लीडर्स यहाँ पे नहीं थे, कुछ फार्मर्स अपने 50 और 60 ट्रैक्टर्स लेके जो कि GKS कैंप से बिलोंग करते हैं, जो कि मनजिंदर सिंह सिरसा का कैंप है, वो फार्मर्स अपना यहाँ से ट्रैक्टर्स लेके कुछ 50-60 ट्रैक्टर्स लेके यहाँ से निकले हैं। एंड वो लोग गए हैं संगवाड़ी विलेज के पास, जो गुड़गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। उस विलेज के पास उन्होंने जब शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस करके बैरिगेट्स तोड़ के जब वो हरियाणा में घुस गए थे, तो पुलिस ने उनका बोला था कि आप कृपया करके सर्विस लेन पे ही रुक जाइए, नेशनल हाईवे ब्लॉक मत कीजिए, बिकॉज आप अब हरियाणा में हैं। बट प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ने बोला कि वो दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, और इसीलिए ये झड़प चली है पुलिस के बीच में, हरियाणा पुलिस के बीच में और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के बीच में, जहाँ पे 300 फार्मर्स ने कोशिश करी कि वो हरियाणा के बैरिगेट्स क्रॉस करके गुड़गांव की तरफ मूव करें, और इसलिए हरियाणा पुलिस उनको रोकने के लिए कुछ 200 और 250 टीयर गैस बॉम्ब्स का, टीयर गैस शेल का यूज़ किया गया फार्मर्स के ऊपर। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है आज के लिए, बिकॉज आज 4th of January है। आज गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन लीडर्स के बीच में टॉक्स होने वाली है 2 बजे विज्ञान भवन पे, और इस बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी फार्मर्स की। बिकॉज अभी फार्मर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2 दिन पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल कैपिटल में, उन्होंने वहाँ पे क्लियरली अपनी स्ट्रैटेजी बता दी थी कि अगर 4th को जहाँ पे हमारी बातचीत है सरकार के साथ, और 5th को जहाँ पे एक एक्सपेक्टेड हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इन 2 दिनों के बाद भी हमें अपने 2 इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्री कंडीशंस हैं वो नहीं मानी जाती हैं, एक प्री कंडीशन कि तीनों के तीनों लॉज वापस लिए जाए, फार्म बिल्स वापस लिए जाए, और दूसरी प्री कंडीशन कि MSP को लीगल स्टेटस दिया जाए, अगर ये 2 चीज़ें नहीं मानी जाती हैं आज बातचीत में और कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, फिर 6 जनवरी से वो अपनी प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करेंगे, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो शाहजहांपुर के हों, चाहे वो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के हों, वो सारे के सारे लोग दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट करेंगे और एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सो कहीं ना कहीं आज और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है जहाँ तक फार्मर यूनियन लीडर्स की बात आती है, बिकॉज इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। शाहजहांपुर पे अब जहाँ पे फर्स्ट डे 13 दिसंबर को कुछ 400 लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आज हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके हैं, और कल भी टीकरी बॉर्डर से 1100 ट्रैक्टर्स सपोर्ट में निकले थे शाहजहांपुर पे, और वो शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक बॉर्डर पे स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, सो दैट अगर कल और परसों का दिन फ्रूटफुल नहीं निकलता है सरकार की तरफ से, तो 6 जनवरी को ये लोग अपनी प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करते हुए दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। जी बिल्कुल कंगना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी कंगना किस वक्त बता रही थी कि कैसे ये जो किसान है, आज का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं कि ये जो कृषि कानून है, जब तक सरकार उसे वापस नहीं लेती है तीनों कृषि कानून को, तब तक जो किसान है वो अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे, उसे रोकेंगे नहीं। अब आज की बैठक में, जो आज की बैठक है वो भी बेहद अहम रहने वाली है कि आखिर क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कोई समाधान इसका निकलेगा, कोई हल इसका निकलेगा।
तो नेशन नाउ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट mirrornownews.com पर लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो भी करें।